नमस्कार दोस्तों, मोदी ट्रंप की जुगलबंदी से झूम उठा बॉलीवुड। सलमान सहित इन एक्टर्स ने बांधे तारीफों के पुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ह्यूस्टन में रविवार को हाउडी मोदी कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। स्टेडियम में मौजूद करीब 60,000 लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मंच से राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, तो वहीं पीएम मोदी ने अमेरिका को भारत का सबसे अच्छा दोस्त बताया। विकास का नारा देते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया। दुनिया भर में अब दोनों नेताओं की तारीफ हो रही है। इस बीच बॉलीवुड ने इस पर खुशी जताई है। बॉलीवुड के कई कलाकारों ने तारीफ करते हुए मोदी के बढ़ते ताकत को ग्लोबल लीडर और भारत की एक अच्छी पकड़ बता रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। जी हाँ दोस्तों, इसमें सलमान खान, अनुपम खेर, करण जौहर सहित बड़े सितारों ने इस प्रकार से मोदी की जमकर तारीफ की है। सलमान खान ने कहा, ये बहुत ही अच्छी पहल है प्राइम मिनिस्टर मोदी के, जिन्होंने भारत के परचम एक अमेरिका जैसे सुपर पावर देश में जाकर लहरा रहे हैं। जी हाँ, और यही नहीं, अनुपम खेर ने तो यहां तक कहा कि शायद ही मोदी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर होगा जो अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रम हाउडी मोदी जो अमेरिका में आयोजित हुआ उसमें इतने तादाद में लोग और साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति भी वहां पे मौजूद रहे और उन्होंने संबोधित किया। जी हाँ दोस्तों, बताते चलें कि हाउडी मोदी कार्यक्रम में करीब करीब 60,000 से ज्यादा लोग थे और इस पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई थी। जी हाँ, दो बड़े ग्लोबल लीडर के संबोधन को सुनने और देखने के लिए पूरे विश्व भी इस पर आंखें लगाए हुए थे और साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के कई बड़े मीडिया और पत्रकार वहां पे जमे हुए थे। जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की संबोधन हुई, उसके बाद करीब करीब दोनों साथ में संबोधन से पहले और संबोधन के बाद तक 1.5 घंटे तक समय बिताया, जो कि एक अमेरिका के राष्ट्रपति को इतना समय देना ये अपने आप में एक बहुत कुछ कह देता है। दोस्तों, मोदी ट्रंप की जुगलबंदी कई नए आयामों पर भारत को फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों, और भी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़।